अब इसे सच बताना ही होगा। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपने KGF लेने। तो फाइनली दोस्तों, आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज तो बेहतरीन कमाई कर ही रही है, साथ ही साथ दोस्तों साउथ इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 भी आज अपने 25वें दिन शानदार कमाई करती हुई नजर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही इन दोनों ही बिग बजट फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों कि आज डॉक्टर स्ट्रेंज और KGF चैप्टर 2 में इंडियन बॉक्स ऑफिस की बाजे कौन मार रहा है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस का किंग कौन बना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी डॉक्टर स्ट्रेंज का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और रॉकिंग स्टार यश और सुपरस्टार संजय दत्त के डाहट फैंस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की बिग बजट फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जिसके लीड में आपको बेनेडिक्ट कंबरबैच और एलिजाबेथ ऑल्सन नजर आई है। सैम रेमी के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म $200 मिलियन के बजट के साथ बनाई गई थी, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते लगभग 2500 से 2600 स्क्रीन्स मिली है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 15000 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को काफी बेहतरीन रेस्पॉन्स मिल रहा है, जिसकी वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 28 करोड़ की एडवांस ली, तो वही दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म की जो एडवांस थी वो लगभग 22 करोड़ रुपए की रही। अपने तीसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वो 20 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर चुकी है, जिससे कि दोस्तों ये फिल्म सिर्फ एडवांस में ही इंडिया में 70 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर चुकी है। और अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों अपने पहले दिन जहां इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग ली थी, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो 30 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। अपने तीसरे दिन दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वही लगभग 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। साथ ही साथ दोस्तों आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी भी इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर मिलाकर लगभग 30 करोड़ रुपए की कमाई एक बार फिर से कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 96 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। और ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन नो वे होम की ही तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी होगी। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में इस फिल्म ने अपने शुरुआती 2 दिनों में $220 मिलियन के आंकड़े को पार कर दिया है, यानी कि लगभग 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई ये फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में कर चुकी थी। वहीं दोस्तों डोमेस्टिक मार्केट यानी कि यूएसए और कनाडा में इस फिल्म का अपने शुरुआती 2 दिनों का जो कलेक्शन है वो लगभग $150 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। यानी कि दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो लगभग $370 मिलियन यानी कि लगभग 2500 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। और आज ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से लगभग $70 मिलियन के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने फर्स्ट वीकेंड का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग $450 मिलियन के आंकड़े को भी पार कर चुका होगा। और ये फिल्म 3000 करोड़ रुपए की कमाई अपने पहले 3 दिनों के वीकेंड में ही कर चुकी होगी। दोस्तों अब बात कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही फिल्म KGF चैप्टर 2 के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि KGF चैप्टर 2 जिसका डायरेक्शन किया है प्रशांत नील ने और ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन 6500 से ज्यादा स्क्रीन पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया था, वही दोस्तों इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10000 से ज्यादा स्क्रीन मिली थी। दोस्तों बताते चले आपको कि रॉकिंग स्टार यश के स्वैग, उनके एक्शन और उनके डायलॉग बाजी को देखने के लिए ऑडियंस की भीड़ अपने पहले ही दिन उमड़ पड़ी और इस फिल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग ली और इंडिया की टॉप 3 हाईएस्ट ओपनर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। ऑडियंस की तरफ से मिले हुए आउटस्टैंडिंग रिव्यूज की वजह से दोस्तों इस फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के जो कलेक्शंस थे वो भी काफी शानदार रहे। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ही 546 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से कर ली थी, जिसमें दोस्तों लगभग 200 करोड़ रुपए तो इस फिल्म ने हिंदी से ही कमा लिए थे। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 750 करोड़ रुपए
कमाए। अपने दूसरे हफ्ते इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो 997 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके थे। वही दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। ये इस फिल्म का दोस्तों चौथा हफ्ता चल रहा है और इस हफ्ते भी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिल रहे हैं। और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने जहां अपने 24 दिनों तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1139 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, तो वही दोस्तों आज ये फिल्म अपने 25वें दिन भी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1155 करोड़ रुपए का हो चुका होगा और KGF चैप्टर 2 इंडियन इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी होगी। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म ने सिर्फ इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर ही 950 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया है और जल्द ही ये फिल्म इंडिया में भी 1000 करोड़ की कमाई करने वाली भारत की दूसरी फिल्म बन चुकी होगी और बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। तो दोस्तों आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखा जाए तो आज तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बाजी मारती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों KGF चैप्टर 2 का ये बॉक्स ऑफिस पर चौथा हफ्ता चल रहा है। इस वजह से देखा जाए तो दोस्तों KGF भी आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है। और अगर इन दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने शुरुआती 3 दिनों में ही KGF चैप्टर 2 को पीछे छोड़ दिया है और बॉक्स ऑफिस की बाजी मार ली है। आपको दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना।